हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू चैनल। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने सैटरडे का तारक मेहता देख ही लिया होगा। भाई काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, मतलब सरप्राइज तो कुछ नहीं था। ऐसा दिखाया जा रहा था कि सुंदरलाल इस बार दया को कंफर्म लेके आने वाले, लेकिन दोस्तों सबको पता था कि दया तारक मेहता में कमबैक नहीं करेगी। और वैसे ही हुआ, जब सुंदरलाल गाड़ी से उतरा तो उसके साथ कोई भी नहीं था, मतलब कि दया तारक मेहता शो में वापस नहीं आई। और अगर शो के हिसाब से चले तो गोकुलधाम सोसाइटी में वापस नहीं आई। तो मेहता का जो डाउट था वो सभी का डाउट था, जो लोग तारक मेहता को देखते हैं उन सबको पता था कि यार दया तारक मेहता में कमबैक नहीं करने वाली। और वैसे ही हुआ, लेकिन यार मेरे को पता था कि जो दया है, दया के नाम पे काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई जाएगी। आज से मैं लगभग मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जाके चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने यही सब बताया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई दया के नाम पे काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाएगी तारक मेहता शो में। और वैसे ही हुआ, और हम सबको पता था कि भाई दया तारक मेहता में नहीं आने वाले। तो मेहता साहब का डाउट और हम सबका डाउट सेम ही था, लेकिन जेठालाल को इस बार ऐसा लग ही रहा था कि सुंदरलाल लेके आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन यार आप लोग मंडे का तारक मेहता जरूर देखना, उसमें भाई सुंदरलाल अपनी दलील देगा कि आखिर क्या रीज़न था दया नहीं आई। लेकिन देखो, ये तो कंफर्म है कि तारक मेहता में शायद अब दया, कंफर्म मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब कभी भी तारक मेहता में हम लोगों को दया और जेठालाल एक साथ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो बाकी दोस्तों, आप लोग कहना, मुझे कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए और भी वीडियो बना रखे हैं, चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर करना और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।